Guys, I got a message from a student saying that, sir, how is SIB? I've converted SIB. Should I take it or wait for CET? Now, this is the main concern people are getting, those who are given the other exams, whether to go for the college they've got or whether to wait for CET. I already have taken a gap of 1 year after, and after getting into Pumba, he left Pumba, tried for next year. How is CET not going to happen? Parents are getting concerned as well. What should I do? Now, we all understand, yeah, this is a concern everybody have, what to do. So the question now comes is, what you've got today, if you've got SIB. Now SIB have an average salary of 12 lakh. Now my advice to this person, same for IBS as well, is to join the college. Yeah, pehla kaam karo, aap jo bhi college aapko lag raha hai, you're getting into new IIMs or baby IIMs, or jo aapko college mil raha hai, aap le lo, theek hai? Because CET ka number one kuch nahi pata, CET kab hoga. Okay, that's the main concern. Now, second thing is, पहली बात तुम्हें कैसे लग रहा है कि तुम्हारा CET के थ्रू JB होने वाला है? या यहाँ तो होना कि कन्फर्म्ड है कि तुम्हारा JB होने ही वाला है. देन ऑफ कोर्स लीव एवरी थिंग फॉर टू हैव इन हैंड. बट नारसिमोन जी कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो दैट इज पॉइंट नंबर टू हेयर, कि आप SIB ज्वाइन कर लो, कल को अगर JB हो गया तो हम SIB को छोड़ के JB आ जाएंगे. नारसिमोन जी को छोड़ के, SIBM को छोड़ के विल ज्वाइन JB. लेकिन भगवान ना करे अगर JB ना हुआ तो क्या होगा, व्हाट इज द बैकअप प्लान? SIB छोड़ दिया तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे. सो पॉइंट नंबर टू, ज्वाइन द कॉलेज विच यू हैव इन हैंड, आप एडमिशन ले लो, कल को छोड़ना बहुत ईजी है, छोड़ के आ जाएंगे. ओके, नाउ कम द पॉइंट नंबर थ्री. सर, इसका लास्ट डे टू पे द फीस इज पर्टिकुलर डेट, आफ्टर पेइंग द फीस यू कैन नॉट टेक अ रिफंड. या दे विल कट सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर फीस एंड देन रिफंड तो देगा, प्लीज टेक अ नोट, रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा. बिफोर अ पर्टिकुलर डेट यू विल गेट 100% रिफंड, आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट यू विल गेट सम पार्ट ऑफ दैट इज अ रिफंड. 1 लाख काटेंगे, 2 लाख काटेंगे. या सपोज टुमारो इफ यू कन्वर्ट JB के नाम पर अगर वो 3 लाख भी अगर काटता है, स्टिल इट मेक सेंस. या स्टिल इट मेक सेंस, वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू JB, ठीक है? तो JB का फीस इज 6 लाख. सपोज मैंने SIB में 3 लाख काट लिया, तो 3 लाख और मेरे को फीस पड़ेगा 9 लाख का. या सो माई एडवाइस इज वेरी सिंपल, डोंट टेक अ रिस्क अनलेस यू आर वेल सेटल्ड कि मेरा होने ही वाला है. फॉर एग्जाम्पल द पर्टिकुलर पर्सन टॉकिंग अबाउट हेयर इज बिलोंग टू ST कैटेगरी. ST कैटेगरी का JB का कट ऑफ इज वेरी वेरी लो, 120 मार्क्स पे भी आपको JB लगने वाला है, नो डाउट. बट भगवान ना करे अगर ना मिला तो क्या होगा, ठीक है? इसके लिए रिस्क ना लेके आप SIB ज्वाइन कर लो. हम क्या करें यार, अभी ST के लिए फीस JB का 3 लाख है, तो 3 लाख यहाँ पे लॉस हुआ, 3 लाख ये 6 लाख में JB हो गया अपना. लेकिन अगर JB ना मिला, अगर सपोज चेतना मिला, तो क्या होगा, SIB बेटर है. आर यू गेटिंग मी? द बर्ड इन हैंड इज बेटर देन वन द बुश, एक ऐसा कोई कुछ तो ऐसा सेइंग था. सो आई बिलीव इन दैट सेइंग, जो आपको मिल रहा है अभी के लिए ले लो, कल को उसको छोड़ना बहुत ईजी है. ओके, अनलेस यू वांट टू वेट फॉर वन मोर ईयर, कि नहीं यार मैं एक साल और रुकूंगा, देन तो बात ही खत्म हो गया. लेट्स ट्राई फॉर CET, नहीं तो अगले साल देखेंगे कैट देना है कि CET देना है कि CMAT देना है, अगले साल देखी जाएगी. ओके, सो इफ यू आर गेटिंग अ डिसेंट कॉलेज दिस ईयर, देन जॉइन दैट कॉलेज. वो तुम्हारे हाथ में भैया, वो कौन सा कॉलेज तुम्हें लग रहा है वो तुम करो डिसाइड, वेदर तुम्हें जाना है कि नहीं जाना. ऑल आई एम सेइंग इज, डोंट ड्रीम आउट कि मेरा कल को JB हो गया तो क्या होगा, तो छोड़ के आएंगे ना भाई, सब कुछ छोड़ देंगे अगर JB हुआ तो. लेकिन अगर JB ना हुआ तो क्या करेंगे? दैट्स द मेन क्वेश्चन मार्क. ऑल द बेस्ट.